और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश रायबरेली से, जहां रायबरेली घर में घुसकर मारने का लगाया आरोप, पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। डी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रोखा गांव की माधुरी देवी पत्नी प्रकाश चंद्र तिवारी ने शनिवार को पुलिस अधीक्षक से मिलकर बताया कि 14 अप्रैल को गांव के ही शिवम सिंह, हरिओम, निराले सिंह व रविंद्र सिंह ने उनके घर में घुसकर उनको बेटा और उनके बेटे अरुण तिवारी और बहू सरोज को मारा पीटा और वहीं परिवार के सदस्यों को गंभीर चोट आई। पीड़ित पक्ष ने बताया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी विपक्षी परेशान कर रहे हैं, पीड़ित रिश्तेदार के घर रहने को मजबूर हैं। पीड़ित शिकायती पत्र लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। अंशु श्रीवास्तव, जिला क्राइम ब्यूरो, टीवी इंडिया 18, रायबरेली। नाम है बेटा आपका? सुल्तान तिवारी। कहाँ के रहने वाले हो आप? आज आप एसपी ऑफिस आए हो, क्या है पूरा मामला? हम तो सारे स्कूल नहीं जाने देते, रास्ते में घेरते हैं, मारने धमकी देते हैं। किस लिए, कोई कारण होगा? सर लड़ाई हुई घर में। पूरी बात बताइए सर। वो हम घर पे थे नहीं, घर वालों को घेरा, अम्मा मम्मी और कोई था नहीं, थोड़ा तेज बोल, और कोई था नहीं, हम ये हम बाहर थे और कौन लोग थे और सब घेरा और मारा है पूरे घर पे। नाम बताइए कौन लोग थे मारने में? शिवम सिंह, हरिओम सिंह, निराली सिंह, रवींद्र सिंह, ये सब लोग थे। ये लोग कहाँ के रहने वाले? सब घर के 100 मीटर दूर थे। क्या परिचय आपका? अरुण तिवारी नाम है सर। क्या हुआ है आपके साथ? मैं साफ माफी की। कहाँ से आए आप? रोखा से। क्या है पूरा मामला बताइए। आप कोतवाली गए, वहाँ क्या हुआ? सर एक गेहूँ मेरा इस समय मड़ाई चल रही है, गेहूँ की मड़ाई चल रही थी, ट्रैक्टर से मेरी गेहूँ आ रहा था लदा हुआ, उसमें उनका चबूतरा के 2-4 ईंटे निकल गए थे और उसके बाद उन्होंने गाली गलौज कर रहे थे, तो हमने उनके ईंटे उठा के और कहा कि रख दे रहे हैं, बनवा देंगे, और वो दबंग टाइप के व्यक्ति हैं, उन्होंने तुरंत ईंटे से हमारे ऊपर प्रहार किया जिससे हमारी सर कट गए हैं और हमारा हाथ फ्रैक्चर हुआ और हमारी माता जी के ऊपर कुल्हाड़ी से वार किया जो कि 12 कांटे लगे हुए हैं सर, और दबंग टाइप के प्रभावशाली व्यक्ति थे। आप शिकायती पत्र के कोतवाली लाल वहाँ गए होंगे? शिकायत पत्र मैंने सर थाना डी में दिया। वहाँ क्या हुआ शिकायती पत्र देने के बाद? वहाँ देने के बाद नॉर्मल धाराओं में अभी तक मुकदमा लिखे गए हैं सर। ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि आज आप एसपी ऑफिस आए हैं? सर कार्रवाई नहीं हो रही है, उन लोग घूम रहे हैं, हमारे बच्चे सर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, एक बच्चा हमारा इंटर फर्स्ट ईयर में है उसको भी फंसाने का काम कर रहे हैं सर।